तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा मतलब ये होता है कि हमारे स्किन जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो इससे बचाव कैसे करना है। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे चैनल पे केवल स्टडी चलता है, स्टडी के अलावा कुछ ज्यादा चलता नहीं है। लेकिन आज के लेक्चर में सोचा मैं कि आप लोग के लिए कुछ अच्छी बातें बता दें, तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अपने स्किन का भी आप लोग ध्यान दिया कीजिए, जिससे स्किन सर्दियों में ड्राई हो जाते हैं तो उससे बचाव कैसे करें। देखिए बचाव कैसे करना है, देखिए घरेलू उपाय ही बताऊंगा, ज्यादा आप लोग को खर्चा वाला चीज नहीं बताऊंगा कि ये आप लोग लाइए क्रीम, वो क्रीम लाइए, ये लगाइए, वो लगाइए। ज्यादा मैं एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करूंगा, बस आप लोग को इजी तरीके से अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से ही बताऊंगा जिसका यूज आप लोग करेंगे तो आई होप आप सभी लोगों का स्किन एकदम अच्छी तरीके से हो जाएंगे और कहीं पे कोई भी ड्राई नहीं होंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए हुए तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे या फिर तिल का तेल या फिर कोकोनट ऑयल। ठीक, आप लोग को इसके बारे में पता है। अब देखिए तिल के तेल में क्या पाया जाता है, तिल के तेल में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, कहीं पे सर्च भी कर लीजिएगा, विटामिन ई पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मतलब अब विटामिन ई क्या पाया जाता है, जो विटामिन ई होते हैं उसके फायदे तो आप लोग को पता है, नहीं पता है तो हमारे जाइए चैनल पे कैप्सूल का एक लेक्चर है, कैप्सूल को पढ़ेंगे। कैप्सूल जो हमारा होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो हमारा जो विटामिन ए कैप्सूल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जो ऑयली में होते हैं। अगर आप लोगों ने यूज किया होगा तो आप लोग को पता होगा, तो जो विटामिन ए होते हैं वो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो अब ये विटामिन ई पाए जाते हैं, मतलब इतने सारे चीज हमारे पाए जाते हैं एक तिल के तेल में, तो समझ लीजिए ये हमारे स्किन के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद है। तो हमको केवल यही नहीं लगाना है, और कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ये नहीं कि मैं बता दिया तो तुरंत आप लोग वीडियो को रोक कर चले जाएं और केवल तिल का तेल लगाना चालू कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। कैसे लगाना है, क्या करना है, सभी बातों को मैं बताऊंगा एक एक करके। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सभी लोग अपने हाथों में लेंगे कपूर। अब केवल स्किन में जब लगाना है तो कपूर के ये जो होते हैं छोटे से टुकड़े, आप सभी लोग के घर में तो पहली बात अवेलेबल होंगे ही कपूर, क्योंकि आप लोग के घर में पूजा उजा होता होगा तो कपूर का वैसे ही आवश्यकता पड़ता है, तो वैसे ही आप सभी लोग के घर में कपूर तो होंगे ही। ठीक, और नारियल के तेल और तिल के तेल तो रहते ही सभी के घर में। तो देखिए इसको लगाना है, कैसे लगाना है, सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि इसको कब लगाना है, ये जानिए। इसको लगाना है रात में सोने से पहले, इसको लगाना है, फिर सुबह उठ के इसको धुल लेना है। तो देखिए इसको लगाना है, सबसे पहले इसको तोड़ तोड़ के मिक्स करेंगे, इसको पहले तोड़ तोड़ के इसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है हम लोगों को। तो देखिए आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, मैंने इसको तोड़ तोड़ कर एकदम पाउडर के फॉर्म में इस कपूर को कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करना है हमको, अब हमको तिल का तेल है या फिर कोकोनट ऑयल है, कोई भी चीज आपके पास हो उसको इसमें डालेंगे। तिल का तेल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, उसमें विटामिन ई पाया जाता है और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। अगर आप लोग को ज्यादा जानकारी लेनी हो तो आप लोग गूगल पे भी सर्च करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको कुछ टाइम तक ऐसे ऐसे करके मिक्स किया जाता है, जिससे थोड़ा सा ये 5 मिनट तक कम से कम किया जाता है, जिससे थोड़ा सा ये हीट हो जाए और अच्छे से ये मिक्स भी हो जाए। देखिए ऐसे करना है, ठीक, मिक्स अच्छे तरीके से जब हो जाए तब आप लोग को इसको देखना है, जब अच्छी तरीके से एकदम मिक्स हो जाए। इसको हाथों में ही किया जाता है, किसी भी चीज में रख के करेंगे तो सही नहीं रहेगा, अब वहां पे भी लग जाएगा, हाथों में रहेंगे तो आराम से इसको मिक्स करके फिर लगा लेंगे। अब इसको कैसे लगाना है उसको मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। देखिए इसको एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है अपने हाथों में, अब इसको लगाना कैसे है, अच्छे तरीके से मिक्स तो हो ही गए हैं। तो देखिए इसको हम लोग को लगाना है फेस पे कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इसको लगाने के बाद ऐसे लगा लिया, रात में सोने से पहले आप सभी लोगों को इसको लगाना है
और जिससे फेस आप लोग का ड्राई नहीं होगा। ठीक, अब इसको लगाने के बाद आप लोग को कैसे मालिश करना है, देखिए थोड़ा सा हाथों से इसको स्किन पर मसाज किया जाता है, तो मसाज को कैसे करेंगे, तो देखिए मसाज को हमेशा आप लोग को इस तरीके से करना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरह। ठीक, नीचे से ऊपर की तरह ऐसे ऐसे हमेशा किया जाता है, देखिए। तो रात में सोने से पहले आप सभी लोगों को क्या काम करना है मैंने देख लीजिए, आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से अपने ही स्किन पर यूज करके आप लोगों को बता दिया है, जिससे आप लोग को कोई डाउट ना हो कि हमारी ये स्किन पर कोई भी इन्फेक्शन कर सकता है। कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, घरेलू काम है, आप लोग अपने ही खुद ही रात में सोने से पहले सर्दियों के मौसम में आराम से करिए, जिससे आप लोग का स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगा, कोई भी आपके स्किन में दिक्कत भी नहीं होंगे, दाग धब्बे हैं सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोग के स्किन में कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताइएगा, उसका उपयोग मैं जरूर बताऊंगा और उसका उपाय भी जरूर मैं बताऊंगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।